आप में से बहुत सारे लोग वर्कआउट करते होंगे फॉर डिफरेंट डिफरेंट फिटनेस गोल्स. इट कैन बी फैट लॉस, वेट गेन, मसल बिल्डिंग और जनरल फिटनेस. बट कई बार कुछ लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल पाते और फिर वो सोचते हैं कि इतने टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. और उसका एक रीजन हो सकता है कि नोइंगली या अननोइंगली वर्कआउट से पहले आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके वर्कआउट की परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है और आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते. सो वेलकम टू एक्सरसाइजर एंड दिस इज सरगम गेरा. और आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 थिंग्स दैट यू शुड नेवर डू बिफोर वर्कआउट. सो लेट्स स्टार्ट. 1 थिंग यू शुड अवॉइड बिफोर वर्कआउट इज स्ट्रेचिंग बिफोर लिफ्टिंग वेट्स. आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग परफॉर्म नहीं करनी चाहिए. नाउ व्हाट इज स्टैटिक स्ट्रेचिंग? जब आप अपने मसल्स को स्ट्रेच करके उसको उसी पोजीशन में होल्ड करते हैं फॉर अबाउट 20 to 30 seconds, दैट इज नोन एज स्टैटिक स्ट्रेचिंग. और अगर आप वेट लिफ्टिंग से पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं तो आपकी मसल परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आप अपना वर्कआउट सेशन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते. बट दैट डज नॉट मीन ऑल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेचिंग आर बैड, क्योंकि आप वर्कआउट से पहले डायनेमिक स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर सकते हैं. और डायनेमिक स्ट्रेचिंग वो स्ट्रेचिंग होती है जिसमें आपकी बॉडी मूव करती रहती है और वो आपके मसल्स और जॉइंट्स को रेडी करती है फॉर एन इफेक्टिव वर्कआउट सेशन. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले आप लाइट कार्डियो या डायनेमिक स्ट्रेचिंग परफॉर्म करें और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग परफॉर्म कर सकते हैं जिससे आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और आपको रिकवरी में भी हेल्प मिलेगी. आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले एक लंबा और इंटेंस कार्डियो सेशन परफॉर्म करते हैं एंड दैट इज योर नेक्स्ट मिस्टेक. और यही आपको नहीं करना. डू नॉट परफॉर्म इंटेंस एंड लॉन्ग कार्डियो सेशन इमिडिएटली बिफोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. ग्लाइकोजन हमारी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ड्यूरिंग वर्कआउट. और जब आप इंटेंस कार्डियो सेशन परफॉर्म करते हो तो मैक्सिमम ग्लाइकोजन वहाँ पे यूज हो जाता है और उसके बाद जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करेंगे यू विल फील लैक ऑफ एनर्जी एंड टायर्ड. तो आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा और जाहिर सी बात है कि आपको रिजल्ट्स भी नहीं मिल पाएंगे. तो इसीलिए आप अपना कार्डियो सेशन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद परफॉर्म करें. उससे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे. 1, आप अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन एनर्जी से परफॉर्म कर पाएंगे और आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स भी मिलेंगे. और 2, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपका ग्लाइकोजन वहाँ पे डिप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जब आप कार्डियो सेशन परफॉर्म करेंगे तो आपकी बॉडी फैट को यूज़ करेगी फॉर एनर्जी, जिससे आपको फैट बर्निंग में भी हेल्प मिलेगी. एक और चीज़ जो आपको फैट बर्न करने में हेल्प करेगी वो है मेटा बूस्ट बाय 2x न्यूट्रिशन. मैं पर्सनली खुद ये प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ एंड देर आर नो साइड इफेक्ट्स. दिस इज़ अ थर्मोजेनिक फैट बर्नर जिसमें सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए गए हैं. और थर्मोजेनिक सप्लीमेंट वो सप्लीमेंट होता है जो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके आपके फैट बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है. और मेटा बूस्ट का बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप इसको कंज्यूम करेंगे तो दूसरे ब्रांड्स के फैट बर्नर्स की तरह आपको हार्ट पैल्पिटेशंस, डिजीनेस ये सब फील नहीं होगा. तो जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं वो मेटा बूस्ट को विदाउट एनी डाउट यूज कर सकते हैं. कंज्यूम करने के लिए आप कार्डियो से 15-20 मिनट्स पहले एक कैप्सूल यानी एक सर्विंग पानी के साथ कंज्यूम करें. ये डेफिनेटली आपकी फैट लॉस जर्नी को ईजी बनाएगा. बट एट द सेम टाइम सप्लीमेंट्स आर नॉट मैजिक, तो आपको अपनी हेल्दी डाइट्स और वर्कआउट्स के साथ भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेटा बूस्ट का लिंक डाल रही हूँ, आप मेरी रिकमेंडेशन पे ये प्रोडक्ट जरूर ट्राई करें. 1 more thing यू शुड अवॉइड इज ईटिंग टू क्लोज टू योर वर्कआउट, यानी प्री वर्कआउट मील और वर्कआउट में कम गैप रखना. जब हम खाना खाते हैं तो ब्लड फ्लो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की तरफ डायरेक्ट होता है उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और जब हम वर्कआउट करते हैं तो ब्लड फ्लो मसल्स की तरफ डायरेक्ट होता है प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए. अब अगर आपने खाना खाने के थोड़ी ही देर में वर्कआउट कर लिया तो ब्लड फ्लो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी चाहिए और मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भी, तो दोनों ही प्रोसेस में कॉन्फ्लिक्ट होगा. ना तो इनफ ब्लड फ्लो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को मिल पाएगा और ना ही आपके मसल्स को. और क्योंकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इनफ ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा तो फूड भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और वर्कआउट के टाइम पे आपको प्यूकिश, ब्लोटेड और नोजियाटिक फील होगा. सो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम आप अगर कोई हैवी प्री वर्कआउट मील करते हैं तो कम से कम आप वर्कआउट से पहले 3 घंटे का गैप जरूर रखें. बट अगर आप कोई लाइट प्री वर्कआउट मील या स्नैकिंग भी कर रहे हैं तब भी आपको 40 to 45 minutes का गैप जरूर रखना चाहिए. 1 more thing यू शुड अवॉइड इज ट्रेनिंग कोर बिफोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग.
आप में से बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले एब्स यानी कोर मसल्स को ट्रेन करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स में हमारे कोर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और अगर वो उस टाइम पे टायर्ड होंगे तो आपको इनफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन इफेक्ट होगा। और यहाँ तक कि वर्कआउट्स लाइक स्क्वाट, डेडलिफ्ट, जहाँ पे कोर मसल्स की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो टायर्ड होगा तो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा और आपको लोअर बैक इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको कोर ट्रेन करना है तो आप आइदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन के बाद परफॉर्म करें और या फिर आप उसके लिए अलग से एक इंडिविजुअल सेशन रख सकते हैं। वन मोर थिंग यू शुड अवॉइड बिफोर वर्कआउट इज ड्रिंकिंग टू मच ऑफ कैफीन। आई अग्री कि कैफीन आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, वर्कआउट के टाइम पे आपके फोकस को बूस्ट करता है और परफॉर्मेंस भी एनहांस करता है, और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग वर्कआउट से पहले हाई डोजेज ऑफ कैफीन कंज्यूम करने लग जाते हैं। अब कैफीन नेचुरल लैक्सेटिव होता है तो वो आपके स्टमक को अपसेट कर सकता है, जिसकी वजह से आपका वर्कआउट अफेक्ट होगा। इसके साथ साथ हाई डोजेज ऑफ कैफीन के और भी कई साइड इफेक्ट्स हैं, लाइक एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, एबनॉर्मल हार्ट बीट, हार्ट बर्न एक्सेट्रा, जिसकी वजह से भी आपके वर्कआउट की परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम वर्कआउट से पहले बस आप ये ध्यान रखें कि आप किसी भी फॉर्म में कैफीन कंज्यूम कर रहे हैं, एक बारी में आपको 200 mg से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप इन सभी छोटी छोटी मिस्टेक्स को वर्कआउट से पहले अवॉइड करेंगे और आप देखेंगे कि आपके वर्कआउट की एफिशिएंसी बढ़ने लग जाएगी और जिस भी पर्पस के लिए आप वो वर्कआउट कर रहे हैं वो पर्पस फुलफिल करने में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड आई एम श्योर आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड आई विल बी बैक विद नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। एंड एज आई ऑलवेज से, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम्स एंड स्टे फिट।